स्वीडन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेसेस टू रेज अ फैमिली, और ये मैं नहीं कह रही बल्कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट स्वीडन वॉज रैंक द बेस्ट प्लेस टू रेज अ फैमिली ओवर द 31 वेल्दी कंट्रीज. एंड इन टूडेज एपिसोड ऑफ स्वदेशी आई विल गिव यू द रीजन दैट वाई स्वीडन इज कॉल्ड एज अ फैमिली फ्रेंडली कंट्री. This is your Desi Girl Neha. Welcome to my show Swideshi. You know friends, I came to Sweden in 2017. और जब मैं स्वीडन आई थी तब बहुत सी चीज़ें जो थी मेरे दिमाग में मेनली वो चलती थी मेरी न्यू लाइफ जो कि स्वीडन आके स्टार्ट हुई और मेरे करियर, ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी. बट वैन आई हैव कंसीव माई फर्स्ट किड इन 2018 तब बहुत सारी चीज़ें थी और मेरे दिमाग में, और उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑल टाइम मेरे माइंड में चलती थी वो थी कि शुड आई गिव बर्थ इन स्वीडन और इन इंडिया. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिकॉज जो कि हमें आफ्टर किड्स सोचने पड़ते हैं. एंड फिर उसके बाद मैंने गूगल सर्च करना स्टार्ट किया, मैंने अपने कई फ्रेंड्स से भी बात की जो कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, और फिर मुझे बहुत सारे फैक्टर्स पता चले और मुझे पता चला कि स्वीडन इज़ नोन एज अ फैमिली फ्रेंडली कंट्री, और उसके रीजंस मुझे पता चले. एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आई विल गिव बर्थ इन स्वीडन ओनली. सो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हम उन पॉइंट्स पे ही बात करने वाले हैं, और उन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है अलॉन्ग पेड पेरेंटल लीव. वेरी लॉन्ग पेड पेरेंटल लीव. यू नो फ्रेंड्स, जब बच्चे होते हैं, जब किड्स होते हैं तो स्पेशली जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम जॉब में हैं तो फिर हम बेबी का ध्यान पूरी तरीके से कैसे रख पाएंगे. और उसी के लिए जो स्वीडन में पेरेंटल लीव होती है वो होती है 480 डेज की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लंबा पीरियड है. और उसकी अगेन एक खास बात यह है कि ये पेड पेरेंटल लीव होती है, और उसके साथ साथ ये पेरेंटल लीव मदर और फादर दोनों ले सकते हैं, जो कि आपको बच्चे के 8 ईयर्स तक के होने तक आपको ये पेरेंटल लीव लेनी होती है. इसके अलावा एक और खास बात है कि इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड और इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप भी इस पेरेंटल लीव के लिए आप भी ले सकते हैं ये पेरेंटल लीव. सो ये एक खास चीज़ है जो कि स्वीडन को बाकी सारी कंट्रीज से डिफरेंट बनाती है. पेरेंटल लीव की अभी हमने बात की, और उसमें एक और खास बात ये है कि ये लीव्स ऐसी हैं जो कि आप पेरेंट्स आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी रीज़न से मदर ये छुट्टियां नहीं ले सकती है और फादर को ही बच्चे के टेक केयर के लिए घर पर रहना है तो मदर के पास वो पूरा राइट है कि वो उन छुट्टियों को फादर को ट्रांसफ़र कर सकती है. तो ये जो छुट्टियाँ हैं पेरेंटल लीव्स हैं, दीज आर ट्रांसफरेबल. जेंडर इक्वालिटी. दूसरी जो सबसे खास बात है स्वीडन के बारे में वो है जेंडर इक्वालिटी. और जैसा कि अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आफ्टर किड्स आपको 480 डेज की पेरेंटल लीव मिलती है, जिसमें से 240 डेज और 240 डेज यानी कि मदर और फादर दोनों को इक्वली ये पेरेंटल लीव मिलती है. इन 240 डेज में से 90 डेज ऐसे हैं जो कि आप अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि वो इंडिविजुअली मदर की अलग और फादर की अलग, वो 90 डेज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो जेंडर इक्वालिटी जो कि वाकई बहुत ज़रूरी है, ये एक पॉइंट ऐसा है जो स्पेशली मुझे स्वीडन के बारे में मतलब बहुत अच्छी लगती है. Monthly allowance for kids. Now let's come to the next point, और वो है monthly allowance, जो कि स्वीडिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको आपके बच्चों के लिए, और ये हेल्प करता है आपको आपके बच्चे की टेक केयर में, उसको रेज करने के लिए. बेसिक सा अमाउंट होता है बट अगेन इट हेल्प्स यू अलॉट, और ये आपको मिलता है आपके बच्चे के 16 ईयर कंप्लीट होने तक. तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड जो कि आपको हेल्प करता है आपके बच्चे के लिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ किड्स यू हैव. Free schooling and education.
नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री स्कूलिंग, जो कि अगेन जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिस्कशन का, कि यार हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो। और ख़ास तौर से अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में ऑल टाइम ये वाली चीज़ें होती है कि हमें हमारी सैलरी का एवरी मंथ एक ये रहता है कि यार हमें एक फिक्स अमाउंट है जो कि हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए रखना है, जो कि उनको फर्दर एजुकेशन में उनको हेल्प करेगी। ये टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है इफ़ यू आर इन स्वीडन, बिकॉज स्वीडन में जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस एपिसोड्स में प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि 6 ईयर के बच्चे के होने पर यहाँ पे प्री स्कूल स्टार्ट होता है। 6 ईयर के होने के बाद से आपके बच्चे की एजुकेशन यहाँ कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्ट्रेस है जिससे आप फ्री रहते हो अगर आप स्वीडन में हो। पब्लिक हेल्थ एंड डेंटल केयर अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे चलते रहते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कि हमें हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ता है। उस केस में अगर आप स्वीडन में रह रहे हैं तो अनटिल द एज ऑफ 20 आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं। इवन आफ्टर एज ऑफ 20 यू हैव टू पे अ वेरी मिनिमम कॉस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। उसी के साथ साथ इफ़ यू आर वर्किंग और अगर आप सिक होते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, देन यू आर एंटाइटल टू पेड सिक लीव। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप स्वीडन में नए आ रहे हैं और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपको फुल्ली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाए। एंड फॉर मोर वीडियोज़ ऑफ स्वदेशी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।